विकास आपको सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रोग्राम फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए इसलिए बनाया जाता है ताकि जो सक्सेस स्टोरी टॉपर सक्सेसफुल कैंडिडेट शेयर करें और बहुत आपसे कनेक्ट कर सकें कि कैसे वो अपनी भी स्ट्रेटजी बना सकें। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पहले अटेम्प्ट में आपने इतना अच्छा रैंक लिया और इसके साथ साथ आप बिहार रेवेन्यू सर्विस में आपका सिलेक्शन हो गया है, आप उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, राइट। आपकी थोड़ी सी सक्सेस जर्नी पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विकास, अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, फैमिली में कौन लोग हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मैं पटना जिले का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता जी, मेरे पिताजी, मेरी दो बड़ी बहन और मेरे से एक छोटा भाई है। मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद मैं 3 साल एक MNC में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया। उस सिविल सेवा की प्रति जो मेरी रुचि पहले से थी, लेकिन जॉब करने का जो निर्णय था इस प्रिपरेशन के दौरान जो जो खर्च होते हैं या फिर जो चार्ज होते हैं उसके लिए मैं अब खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था, तो उस तब मैंने जॉब छोड़कर और चाणक्य पटना ब्रांच को ज्वाइन किया। ओके, मतलब चाणक्य IAS एकेडमी पटना ब्रांच आपने ज्वाइन किया, अपने जॉब छोड़ दी। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि कोचिंग ज्वाइन करना है, तैयारी शुरू करनी है, तो एक जॉब को छोड़ कर करके आप आए, तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन रहा होगा। फैमिली में सबकी रजामंदी थी उसमें? सर मेरे पिताजी और मेरे माताजी की रजामंदी थी। ओके, चाणक्य एकेडमी आपने कब कब ज्वाइन किया, किस कोर्स में ज्वाइन किया था? सर मैं 2017 में जुलाई में फाउंडेशन बैच के लिए ज्वाइन किया था UPSC के लिए। अच्छा, तो अभी UPSC का कोई अटेम्प्ट लिया है कभी आपने? नहीं लिया सर, अभी तक मैंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं लिया सर। अच्छा, पहला अटेम्प्ट BPSC में ले लिया आपने? जी सर। तो और आपको पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हो गया, तो नेचुरली आपकी स्टोरी काफी रोचक होने जा रही है आपके देखने वालों के लिए कि कैसे आपने जर्नी स्टार्ट की। क्या आप एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे अपने स्कूल में कॉलेज में? सर मैं एक बहुत ब्राइट तो नहीं, लेकिन एक एवरेज और गुड के बीच में स्टूडेंट रहा हूं। अच्छा, तो ये एक आप इंजीनियरिंग में गए, वहाँ अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे आगे आपका, हाँ, तो उसको छोड़ करके ये विचार सिविल सर्विसेज में आने के लिए चाहे IAS हो या BPSC में कैसे आया विकास? सर जो मैं जॉब कर रहा था, जिस रोल पे था, वहाँ मुझे आय और प्रतिष्ठा तो मिल रहा था, लेकिन मुझे अवसर की भी तलाश थी जो मुझे सिविल सेवा के प्रिपरेशन के दौरान और इसमें सफल होकर ही मिल सकती थी, इसलिए मैंने सिविल सेवा में आना उचित समझा। तो इसके पीछे का ये जो बेसिक आइडिया इंस्पिरेशन क्या स्कूल कॉलेज के जमाने से था या सर्विस में जाने के बाद आया आपको? नहीं सर, स्कूल कॉलेज के जमाने से ही मेरा ये मेन लक्ष्य यही था कि मुझे सिविल सेवा की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन जैसे सिविल सेवा की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, तो मैंने सोचा एक टेक्निकल डिग्री लेकर उसका इस्तेमाल मैं इसमें कर सकूँ। ठीक है, तो उसमें आपने जो इस कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, है ना, अच्छी शुरुआत करनी ही होता है और आपकी मंजिल अभी बड़ी है, आप आगे IAS भी बनना चाहते हैं, बट ये बहुत अच्छी जो शुरुआत आपने कर ली, अब आप एक बिहार रेवेन्यू सर्विस में ज्वाइन कर करके आगे भी करेंगे, तो एक आपकी जो शुरुआत है कि आपने जब इंसान इनिशियल स्ट्रेटजी बनाता है प्रिपरेशन का कि चलो मुझे अपने तय कर लिया, मेरी मंजिल तय है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो वो आपने जो शुरुआत है वो किस तरह से की? सर मैं 3 चीजों पर ध्यान दिया, मेहनत, आत्मविश्वास और रणनीति। तो मैं पहले से ही ये सोचता था कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझ में आत्मविश्वास आएगा, और एक बार जब आत्मविश्वास आएगा तो मैं एक रणनीति बनाऊंगा, और चाणक्य पटना जो मैं जिस संस्थान से जुड़ा वहाँ के फैकल्टी ने भी मुझे इसमें बहुत सहयोग किया और उनके मार्गदर्शन में ही मैं आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। वेरी गुड, तो आपने उसका पूरा जो गाइडेंस उसका भी भरपूर आपने लाभ उठाया। जी सर, क्लास के बारे में लगातार रेगुलर होते थे आप, मेटिकुलस थे क्लास को? नहीं सर, रेगुलर क्लासरूम में होते थे सर, और लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी था, तो मैं लाइब्रेरी का भी फुल टाइम उपयोग करता था। बहुत बढ़िया, ये एक्चुअली कि देखिए हमारी कोशिश यही होती है कि बेस्ट फैसिलिटी आपको दी जाए, लेकिन स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप उठाते कैसे हैं, और जैसा कि आप जानते होंगे मैं भी बिहार के बैकग्राउंड से, तो एक थोड़ा चाहता था हमेशा कि रिजल्ट बहुत बढ़िया हो बिहार का, तो 2013 में जब ये कल्पना की गई पटना सेंटर का कि नेशनल लेवल की क्वालिटी बिहार में दी जाए, और डॉक्टर कृष्णा सिंह को वहाँ स्पेशली दिल्ली से मैंने शिफ्ट करवाया कि जाके क्वालिटी मेंटेन कीजिए, तो मुझे गर्व है कि आज इतना बढ़िया रिजल्ट जो है बिहार से दोबारा IAS और UPSC के थ्रू और इधर स्टेट PCS में, तो खैर बहुत अच्छी हो रही है, अभी 150 से ज़्यादा सिलेक्शन इस बार भी मिल गया पटना सेंटर को।
एक तैयारी के दौरान में कोचिंग तो आप कर ही रहे थे, तैयारी भी किया आपने प्रिया, बट आपके होते ना फंडामेंटल स्टडी, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपने सिस्टम, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहेंगे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि स्टूडेंट के दिमाग में जो है कि बहुत फ्रीक्वेंट सवाल था कि हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। अब 2017 में आपने जर्नी शुरू किया, अब 2017 से लेकर के 4 साल निकल गए है ना जो जर्नी है, तो ये 4 साल के अंदर अपने आपको मोटिवेटेड रखना, तैयार करना, ये बहुत बड़ी था। तो हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है जो कहना चाहेंगे? सर जैसे मैंने संस्थान से जुड़ा तो वहाँ के जो शिक्षक गण थे, समय समय पर वहाँ के डायरेक्टर कृष्णा सर भी मोटिवेशन में बहुत हेल्प करते थे। और 2018 में ही बीपीएससी का फॉर्म आ गया था जो कि मैं फिल कर दिया जब मेरी क्लासरूम चल रही थी, तो उस समय पीटी का एग्जाम दिया, पीटी क्लियर हो गया, तो ये मेरे मोटिवेशन को और बनाए रखा। और वो प्रोसेस 2021 के 5 फरवरी जब मेरा इंटरव्यू था तब तक चलता रहा। और बीच बीच में जो चाणक्या के फैकल्टी, उन्होंने मुझे इसमें बहुत हेल्प किया और इस तरह से मेरा मोटिवेशन लेवल निरंतर बना रहा। बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसमें एक एक तो मोटिवेशन का मतलब है कि अपने घर से भी लोग इंस्पायर करते रहे, इंस्टीट्यूट से रहा। मेरे माता पिता सर। सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपने प्रति अपने विजन में क्लैरिटी थी, मुझे जाना है और ये करना है। एक टाइम मैनेजमेंट होते हैं स्टूडेंट के कि कोचिंग के साथ बैलेंस करते हुए आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया, लाइब्रेरी, क्लासरूम, घर की स्टडी, वो कैसे मैनेज किया आपने? सर मैं चाणक्य पटना संस्थान 7 बजे सुबह ओपन हो जाता था वहाँ का लाइब्रेरी, तो मैं लाइब्रेरी आ जाता था और शाम को 7 बजे तक बंद होता था, तो शाम 7 बजे में जाता था। तो उस दौरान ही बीच में दो तीन घंटे कभी 4-5 घंटे की जो क्लासरूम होते थे मैं क्लासरूम अटेंड करता था और लाइब्रेरी में बैठ के ही बाकी के लिए सेल्फ स्टडी का उसका रिविजन करना, जो बुक्स वहाँ पे मुझे जरूरत हुई तो उस बुक्स से पढ़ना, और उसी दौरान मैं टाइम मैनेजमेंट करता था। फिर वापस घर आने के बाद मैं 3 से 4 घंटे देता था जिसमें मैं जो भी लाइब्रेरी में या क्लासरूम में जो पढ़ाया गया है या जो मैंने लिखा है खुद से प्रयास किया है उसका रिविजन के लिए देता था सर। अच्छा, तो इसका मतलब 7 से 7 तो आप तो इंस्टीट्यूट में ही चले गए, तो 12 घंटे की अपनी कमिटमेंट तो आपने दे ही दिया कि आप क्लास भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। इस बीच में बहुत अर्ली जाते थे, एक्चुअली आप अपना ब्रेकफास्ट खाना सब लेके जाते थे, इसका मतलब आप? जी सर, मैं ब्रेकफास्ट लंच लेकर जाता था और वही बीच में अपने क्लास किया। बहुत अच्छा, ये तो एक है कि आपका आप ट्रेवलिंग टाइम और सब बचा लिया आपने, 12 घंटे आपने वही लगा दिए, 3 घंटे फिर आप घर में आके पढ़ गए। तो एक एवरेज वर्किंग आवर जो है आपका कितने घंटे निकल आता था क्लासरूम के अलावा? सर क्लासरूम अगर जैसे क्लासरूम का मतलब 3-4 घंटे अगर हुए तो 4-5 घंटे 6 घंटे तक सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लेता था सर। मतलब 8 से 9 आवर्स तो आपके पास तो था ही जो आपने लगातार आप निकाल रहे थे। वेरी गुड। अच्छा, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में, अच्छा सोने और उठने का टाइम आपको नींद पूरी कंप्लीट करते थे? जी सर, मैं मिनिमम 5 से 6 घंटे की नींद कंप्लीट करता था और बाकी समय में पढ़ाई या थोड़ा रिलैक्सेशन बाकी काम हो गया, राइट? जी सर। अच्छा, इसके साथ विकास ये है कि अपनी जो सब्जेक्ट वाइज जैसे कहते हैं प्री मेंस इंटरव्यू, तो चूंकि आप फाउंडेशन कोर्स चाणक्य आई एकेडमिक स्टूडेंट रहे पटना में, तो नेचुरली आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन चल रहा था, करेक्ट? जी, सारे सब्जेक्ट वाइज आपने आपने किया हुआ, बट कुछ विशेष सजेशन जो स्टूडेंट को आप देना चाहेंगे कि बीपीएससी की तैयारी के दौरान है ना कैसे सब्जेक्ट को मेंस और प्री को कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा बताइए। सर बीपीएससी का थोड़ा सा नेचर यूपीएससी से भिन्न है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह भी है बीपीएससी के लिए कि जो यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर होता है उसे भी कंटिन्यू पढ़ना है। जैसे हम यूपीएससी के लिए एक राष्ट्रीय संस्करण या नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसके साथ ही पीटी और मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन एक साथ ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम डेली पढ़ते हैं न्यूज और उसको नोट डाउन करते हैं या फिर जो भी चीजें पढ़ते हैं, जो भी चीजें न्यूज में आती है उसे नोट डाउन करते हैं, तो वो पीटी में ऑब्जेक्टिव के रूप में तो हमें हेल्प करता ही है करंट अफेयर्स में, साथ ही मेंस में जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें भी वैल्यू एडिशन का काम करता है। और वो चीजें अगर निरंतर रिविजन किया जाए तो इंटरव्यू में भी जनरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं तो उससे बहुत मदद मिलती है। साथ ही टीचर द्वारा जो शिक्षकगण द्वारा जो सुझाए गए सुझाव थे कि ऐसे क्वेश्चन लिखो, निरंतर उस क्वेश्चन को लिखना और उनसे चेक करवाना, उनसे रिव्यू लेना, और अगर उन्होंने कुछ गलतियां बताई कि इसे ऐसे नहीं ऐसे लिखना है तो उस पर भी दोबारा सुधार को उन्हें दिखाते थे। तो 3-4 घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता था और 1-2 घंटे प्रीलिम्स के लिए कुछ बुक्स वगैरह या फिर न्यूज़पेपर ये सब पर ध्यान देता था।
तो इसमें अभी जो सबसे पहले थोड़ा करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं, चूंकि आपने न्यूज़पेपर में ये बात करी है ना, तो ये नेचुरली एक एक नेशनल डेली हो गया, एक स्टेट के लेवल का कोई भी न्यूज़पेपर आपने अच्छे स्टैंडर्ड का पढ़ लिया, तो उसमें विकास एक्चुअली कि स्टूडेंट को कई बार क्लियर नहीं होता, आपको भी फेज आया होगा कि इसमें क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो सबके लिए होता है, तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए कि आपने अपने को रेलेवेंट कैसे बनाया, कितना टाइम लगाते थे न्यूज़पेपर में करंट में, और किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि उसका करंट अफेयर्स बिहार बीपीएससी के लिए सही हो। सर, सरकार द्वारा जैसे न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें होती है जैसा आपने कहा और ये सच भी है सर, तो जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हुए या उसका क्या प्रोग्रेस है, कुछ समस्या हुआ उन चीजों को ध्यान देना, कुछ अगर इनोवेटिव चीजें बिहार में हो रही है तो उस चीज को नोट डाउन करना, और जो एडिटोरियल्स आते हैं जिसमें कि कई शिक्षाविद और विद्वान लोगों का व्यू होता है उन्हें पढ़ना और उसको अपने व्यू से कोरिलेट करके एक अपना व्यू कॉपी पे नोट कर लेना, ये मैं निरंतर करता हूँ सर। ओके, तो उसमें से थोड़ा सा और बताएं कि जो रेलेवेंट है, भाई न्यूज़पेपर में बहुत कुछ है, बहुत पेजेस हैं, तो वो आपके लिए क्या उसमें जरूरी है पढ़ना, वो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? सर, जो जैसे बहुत बयानबाजी या कोई घटनाएं इन सब चीजों पर मैं नहीं, ऐसे न्यूज पर मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन जैसे सरकार की कोई योजनाएं आई या फिर किसी पटना हुआ या कई जिला संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या है, जल जमाव की समस्या उसके या अन्य किसी प्रकार की समस्या उसके समाधान द्वारा उपाय, इन चीजों पर ध्यान देता था, लेकिन जो राजनीति न्यूज हुआ या फिर किसी अन्य प्रकार का न्यूज हुआ उसे मैं छोड़ दिया करता था। राजनीतिक न्यूज का एक्चुअली कोई रेलेवेंस रहता नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, डिसीजन है, वो इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपकी बात से लोगों को समझना चाहिए कि जो सिलेबस है बीपीएससी का या यूपीएससी का, उसको ध्यान में यदि रखेंगे तो अपने आप जो क्या रेलेवेंट है वो न्यूज़पेपर में आपको समझ में आने लगेगा। इसके अलावा पिछले साल के क्वेश्चंस भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। नोट्स मेकिंग भी एक कला है इस एग्जामिनेशन के अंदर में, तो आप किस तरह के नोट्स बनाते थे किसी भी सब्जेक्ट का और उसका रिवीजन कैसे करते हैं वो बताइए थोड़ा। सर, जैसे मैं डेली वाइज जो पढ़ता था कहीं से भी उसे पर डे के हिसाब से तारीख के हिसाब से मैं छोटे छोटे पॉइंट्स तो नोट करता ही था, लेकिन जब एग्जामिनेशन का नजदीक समय आता था तो जो क्विक रिविजन के लिए चीजें होती है उसे एक शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करता था, क्योंकि बीपीएससी के मेन्स के दौरान खासकर जो जीएस पेपर टू है वो बिल्कुल ही डायनेमिक है, जो चल रहा होता है डेली लाइफ में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को मैं ध्यान में रखते हुए शुरुआत से ही एक डेली वाइज नोट्स बनाता ही था और उसका भी शॉर्ट वर्जन एक शॉर्ट नोट्स ही बनाता, तो जो एग्जाम के दो घंटे पहले या एक दिन पहले मैं उसका निरंतर रिविजन कर सकता। अच्छा, तो मेन चीज है पढ़ाई के साथ साथ रिविजन इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप उसको करते हैं, राइट। कुछ विकास साहब थोड़ा प्लीम्स ओरिएंटेड, हालांकि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया ये जरूरत भी है, बट प्लीम्स के रिलेटेड कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे जो आपने प्रैक्टिस किया जिसमें सिलेक्शन चुके पहले ही अटेम्प्ट में आपका तीनों स्टेज निकल गया, जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के साथ साथ जो कुछ खास बातें प्लीम्स के ध्यान रखना चाहिए वो बताएं। सर, बीपीएससी का प्रीलिम्स का जो नेचर है वो यूपीएससी से थोड़ा भिन्न है, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इवन जो करेंट अफेयर्स का भी जो पोर्शन है जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, इसमें वन लाइनर और फैक्चुअल डिटेल ज्यादा पूछा जाता है, खासकर अगर इकोनॉमिक्स का भी सेक्शन देखा जाए करंट अफेयर्स के बाद तो उसमें बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन लगभग 90% बिहार के इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के बाद आप उससे लड़ जाते हैं, और करंट अफेयर्स के लिए एक मैं डेली वाइज का जो न्यूज लोकल न्यूज पेपर तो पढ़ता ही था,
साथ ही कहीं कहीं जो वन लाइनर जहाँ पे करंट अफेयर्स देते हैं किसी भी सोर्स से, चाणक्य की जो मैगजीन थी उसमें भी मुझे ये मिलता था, चाणक्य के जो न्यूज डिस्कशन उससे मिलता था, उसे मैं वन लाइनर के रूप में नोट कर लेता था। तो ये दो चीजें मैं निरंतर डेली वाइज में करता रहा, और इसके बाद मुझे कोई लगभग 90 से 95% क्वेश्चन इसके अंतर्गत ही आ गए। और जो बाकी स्टैटिक पोर्शन सब्जेक्ट के लिए चाणक्य द्वारा जो मुझे बुक्स प्रोवाइड किए गए थे और एनसीईआरटी बुक्स प्रोवाइड किए गए थे, इन दो बुक्स को पढ़ के मैं उस पे अच्छे से कंप्लीट कर पाया सर। ये मुझे प्रीलिम्स में भी बहुत मदद की और मेंस के दौरान। बहुत बढ़िया, मतलब आपने क्लास नोट्स को, जो कोचिंग सपोर्ट है उसको अभी आपने बहुत ही रेलेवेंटली इस्तेमाल जी किया है, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है एग्जामिनेशन के अंदर में, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि एग्जामिनेशन के स्किल क्या थे। सारी तैयारी होगी लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आकर के नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए या आप क्वेश्चन ही ठीक से ना कर पाए, तो जो बातें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में जरा बताइए। जी सर, और ये बीपीएससी में कुछ 2-3 साल पहले से सर एक टिप ऑप्शन जोड़ा गया है, जिसके बाद ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई कि तैयारी के बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर जिन क्वेश्चन पे, जैसे बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि जिस क्वेश्चन में मैं कंफर्म हूँ उस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं सॉल्व किया था, और जिस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा बहुत डाउट था उसे मैंने दूसरी बार, मतलब एक पहले कंफर्म वाले को टिक करने के बाद दूसरी बार में मैंने दो ऑप्शन सेलेक्ट किया। जैसे 5 ऑप्शन है उससे मैंने दो ऑप्शन चूज किया जो मुझे सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगा, और उसके तहत मैंने किसी एक का चुनाव किया। ठीक है, तो मतलब ये आप वो प्रैक्टिस के कारण से वो एफिशिएंसी आपने डेवलप कर ली थी, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लिमिटेड टाइम पे जो आपके पास अवेलेबल है उसके बारे में आप उसको पूरा कर सकेंगे। करेक्ट विकास, ये ऑप्शनल का सिलेक्शन मेंस एग्जामिनेशन में वो बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, तो आपने चूंकि आपके इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और आपने सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल ज्योग्राफी लिया, तो ये सिलेक्शन में आपने क्या क्राइटेरिया अपने दिमाग में रखा जिसके कारण से ज्योग्राफी लिया वो बताइए। जी सर, चूंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था तो मुझे कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट चूज करना था जो कि मेरे बैकग्राउंड से हटकर हो, और उस दौरान मुझे लगा कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसे कहीं ना कहीं मैं साइंस से रिलेट कर सकता हूँ। ओके शुरुआत से भी ज्योग्राफी में मेरी रुचि रही है, और जब मैं काउंसलिंग के लिए चाणक्य गया था पटना ब्रांच में, तो वहां पर कृष्णा सर से मिला था, उन्होंने भी मुझे इसीलिए सजेस्ट किया कि अगर जो मेरी रुचि है और जो ऐसा मेरा बैकग्राउंड है तो ज्योग्राफी मेरे लिए सुटेबल होगा, और मैं उसमें अपनी रुचि को और बढ़ाया, मेहनत किया, तो मुझे ज्योग्राफी समझ में भी आने लगी। इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, जबकि आपका बैकग्राउंड नहीं भी था तो स्टूडेंट को ये जानना जरूरी है कि यदि बैकग्राउंड नहीं भी सब्जेक्ट में हो और सब्जेक्ट में आपका किसी नए में इंटरेस्ट हो और गाइडेंस सही मिल जाए तो आप अच्छा काफी अच्छा कर सकते हैं। राइट, थोड़ी सी ज्योग्राफी क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे कि इसमें से आपको एक क्लैरिटी देना है कि ज्योग्राफी में आपका नया सब्जेक्ट था, ज्योग्राफी नया सब्जेक्ट होने के बावजूद भी आपने अच्छा कर लिया, तो जो एक बिगिनर है जिसने कभी मान लीजिए कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा नहीं और उसने सेलेक्ट किया, तो आप अपने ज्योग्राफी के अनुभव से बताइए कि कैसे कैसे आपने इसमें कॉन्फिडेंस डेवलप किया। सर ज्योग्राफी ऑप्शन चुनने के बाद जब मैं, मतलब चाणक्य में जब क्लास स्टार्ट हुआ, इसके लिए मैं एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पढ़ा, कई बार उसका रिवीजन किया, हर चैप्टर के पीछे में जो कुछ प्रश्न दिए रहते हैं उन प्रश्नों को लिखा, कई बार रिवीजन करने के बाद ज्योग्राफी के जो बुक्स, जो नोट्स, स्टडी मटेरियल चाणक्य द्वारा मुझे प्रोवाइड किए गए उसे मैं निरंतर पढ़ा, और क्लास में जब ज्योग्राफी का पढ़ाया जा रहा था तो सर 2-3 क्वेश्चन डेली लिखने के लिए देते थे, तो उस क्वेश्चन को मैं लिखा, निरंतर सर को दिखाया, तो शुरुआत में बहुत खराब था, सर ने बहुत सुधारने को बोला, लेकिन धीरे धीरे मेरा फिर ये ठीक होने लगा। तो इस तरह से मैं जीएस में एक मुझे थोड़ी समझ आ गई थी ज्योग्राफी में, उसके बाद चाणक्य में ही ऑप्शनल का क्लास शुरू हुआ और डेली 3-4-5 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाया, तो और जो उनका नोट्स है मैं अभी तक रिवीजन करता हूँ, निरंतर रिवीजन करता हूँ, और वो बीपीएससी के ऑप्शन में लिखने के लिए बहुत सफिशियंट साबित हुआ मेरे लिए। मतलब आपने एक्चुअली, मैं जो देख रहा हूँ कि यू आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम कोचिंग, बहुत अच्छा, आपने क्लास को ढंग से सीरियसली लिया। बहुत सारे बच्चों से गलती हो जाती है, ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वो क्लास को सोचते हैं चलो घर में बाद में पढ़ लेंगे देख लेंगे टाइप का, तो
आपने एक लाइब्रेरी भी इस्तेमाल की, मैं देख रहा हूँ कि आपने क्लास भी बहुत समझ किया और क्लास नोट्स का भी फायदा आपने उठाया, वेरी गुड। इसमें अब थोड़ा जनरल स्टडीज की चर्चा करते हैं, जो जनरल स्टडीज मेंस की तैयारी है, जो आपको किस तरह से काम आया और किस तरह से आपने अपने आप को अच्छा करने में मददगार बनाया अपने आप को, उसको अगर बताइए मेंस के लिए। सर मेंस में मुख्य रूप से हिंदी क्वालिफाइंग होता है तो दो पेपर बचते हैं, GS1 और GS2। तो GS1 में सर तीन सेक्शन थे, IR, स्टैटिक्स एंड हिस्ट्री। तो स्टैटिक्स के लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, जो प्रीवियस ईयर के जो स्टैटिक्स क्वेश्चन आ रखे थे 5-10 साल का, उसको मैंने बहुत बार बना लिया तो उससे मेरा हो गया था। और जो IR के प्रश्न है, जैसा कि सर का गाइडेंस मिला मुझे, तो वो पिछले मैंने देखा कि पिछले एक साल के, जब से एग्जाम है, एक साल के पहले के जितने भी IR से संबंधित घटनाएं घटी है उसका मैं निरंतर रिवीजन करते रहा, पढ़ते रहा। तो इसके लिए मुझे कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, न्यूज़पेपर, करेंट अफेयर्स और चाणक्य द्वारा प्रोवाइड किया गया जो मैगजीन्स है जिसमें एक सेक्शन IR का रहता था, स्पेशल लेख होता था उसमें, तो वो मुझे बहुत मदद किया। और हिस्ट्री के सेक्शन के लिए चाणक्य में ही मुझे हिस्ट्री पढ़ाया गया था, तो ये तो UPSC के लेवल में मुझे पढ़ाया गया था बहुत एक्सटेंसिव, लेकिन BPSC का सिलेबस उसमें से ही बहुत कम है, तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग जब BPSC का मेंस का डेट नज़दीक आया तो मैंने उसको कई बार रिवीजन किया। और इसमें मैं हिस्ट्री का सेक्शन हो चाहे IR का, इसमें मैंने करेंट अफेयर्स से भी रिलेट किया, जैसे हिस्ट्री में चंपारण का एक क्वेश्चन आया था और उसी समय बिहार में शताब्दी वर्ष मनाया गया था, तो सर ने जैसा सजेस्ट किया था मैं उसको हिस्ट्री में भी करेंट अफेयर्स से थोड़ा रिलेट कर दिया, तो उससे वैल्यूएटेशन का काम हुआ। और GS2 में जो सेक्शंस होते हैं, तीन पॉलिटी का, दूसरा सेक्शन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का, और तीसरा सेक्शन साइंस एंड टेक का। तो साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स टोटल डायनेमिक होता है, उसमें कुछ कोर टॉपिक नहीं पूछे जाते, तो उसके लिए मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ता था, चाणक्य द्वारा जो प्रोवाइड किया गया मैगजीन्स था, वो उससे मेरा कंप्लीट हो गया था। और पॉलिटी के सेक्शन के लिए मैं लक्ष्मीकांत पढ़ा, और जो NCERT की बुक्स थी उसको मैंने बार बार रिवीजन किया, और जो वर्तमान में चल रहे मुद्दे हैं उनको भी याद रखा, जिसे मैं उदाहरण के रूप में अपने आंसर में ऐड किया था। इस तरह से मेरा मेंस का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया था। ओके, तो प्रैक्टिस भी आप लगातार करते रहे, राइट? जी सर। तो एक बेसिक स्किल के बाद यदि कहें कि प्री में ये तीन या पांच स्किल चाहिए, मेंस में स्किल चाहिए, थोड़ा सा स्किल सेट कर में कुछ पॉइंटर्स पे बता सकते हैं सर? जैसे प्रीलिम्स के लिए है कि मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है सर। जैसे अगर मैं ऑब्जेक्टिव याद भी करता हूँ या कुछ बातें याद भी रखता हूँ, लेकिन जब तक मैं उसे प्रैक्टिस नहीं करता तो जो ऑप्शंस होते हैं उसमें सही आंसर सेलेक्ट करने में थोड़ी परेशानी हो जाती है, खासकर ई ऑप्शन जुड़ने के बाद कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है कि क्या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट बहुत लगाया और रिवीजन किया। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, डेली 5-6 क्वेश्चन लिखा। और जो वर्ड स्टैंडर्ड है, जैसा कि सर ने सजेस्ट किया था कि मेंस के लिए NCERT के लेवल का जो वर्ड स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए, और ऑप्शनल के लिए भी वही होना चाहिए, लेकिन उसमें जो एनालिसिस थोड़ा डेप्थ होना चाहिए मेंस के तुलनात्मक रूप से। तो मैंने यही चीजें फॉलो की। बहुत मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मैंने 64वीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 25वां रैंक प्राप्त किया है और मुझे STM पद के लिए चयनित किया गया है। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय बिहिया भोजपुर से हुई है, उसके बाद मैंने 11th और 12th की पढ़ाई माउंट कार्मल हाई स्कूल पटना से किया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और मैंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से किया है। चाणक्य IAS एकेडमी में मैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान जुड़ी थी और मुझे यहाँ से काफ़ी गाइडेंस मिला, और इंटरव्यू अच्छा होने का एक नतीजा है कि मुझे अच्छा रैंक भी मिला। यहाँ के स्टूडेंट और बाकी स्टूडेंट के लिए मैं यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने ड्रीम और अपने गोल पर डिटर्मिन रहें, वर्क हार्ड करें, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क ज़रूर करें, और जो टीचर्स का, आपके मेंटर का जो एक गाइडेंस है उसका सही उपयोग करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। आप ये बताइए कि जो इंटरव्यू है, आप सिविल सर्विस पर्सनालिटी टेस्ट जो है, अल्टीमेट असेसमेंट वहाँ होता है, तो आपकी तैयारी कैसी रही, किस तरह से आगे बढ़े, और फिर थोड़ा सा अनुभव हम जानेंगे कि इंटरव्यू में आपने क्या किया,
कैसे तैयारी करी सिविल सर्विस पर्सनालिटी टेस्ट की? सर इंटरव्यू के लिए जब मेरा मेंस में सिलेक्शन हुआ तो मैं चाणक्य सर सबसे पहले अपने माता पिता को बताने के बाद संस्थान में ही बताया कि मेरा इंटरव्यू में हो गया है। तो सर ने बोला कि मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, आप मॉक टेस्ट दीजिए। तो मैं चाणक्य में एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिया था और दो तीन चार ऑफलाइन मॉक टेस्ट का भी रिवीजन किया था। शुरुआत में बहुत सारी कमियां थी, कृष्णा सर ने खुद ही मेरा इंटरव्यू में लिया था एक बार बैक, तो उन्होंने मुझे चीजें बताई कि मुझे किस किस चीज पर काम करना है। मैंने उसे जो अपनी कमियों को सुधारा और जो करेंट के जो टॉपिक है खासकर ऑप्शनल जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे उस किसी भी टॉपिक से संबंधित ज्ञान का होना और ज्ञान को प्रस्तुत करना, ये मैंने इंटरव्यू के दौरान सीखा। बहुत मेन चीज है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे या आपने पब्लिकली जब आप जॉब में यूज कैसे करोगे ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। राइट, तो बेसिक स्किल और चीजें तो आपने ट्रेनिंग में चाणक्य में सीख लिया, बट जब एक्चुअल इंटरव्यू आया तो उसमें किसका बोर्ड था और वहाँ का सिचुएशन क्या रहा, थोड़ा उसकी जानकारी दीजिए। जी सर, सर बिहार में जो सिस्टम है कि पहले हमें बोर्ड का पता नहीं चलता है कि किन का बोर्ड मिलेगा, तो रैंडमली चूज किया गया और मुझे डॉक्टर करीमी सर का बोर्ड मिला था। तो उनके बोर्ड को लेके पहले से ऐसी मतलब थोड़ी बातें फैली हुई थी कि उनका बोर्ड बहुत टफ होता है, वो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और मेरा जो बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग था, तो मैं वैसा कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का था नहीं, तो ऑब्जेक्टिव आता था लेकिन बहुत सारे प्रश्नों का मैं उतना बेहतर नहीं दे सकता था। लेकिन फिर भी सर ने लगभग मुझसे 30 से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए होंगे जिसमें मैं 7 से 8 में सही जवाब मतलब मुझे नहीं पता था तो मैंने सॉरी सर भी कहा था और बाकी का मुझे पता था तो मैंने सही सही जवाब दिया था। और इस मुझसे करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे बोर्ड में, बस जो मेरा जिससे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उससे रिलेटेड मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग और मेरे हॉबी चेस रही है तो चेस से रिलेटेड प्रश्न किए गए थे, तो मैंने उन प्रश्नों का जवाब दिया। और जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन किए गए थे जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी और बहुत सारे दर्रों का नाम, औसत वर्षा, भारत और बिहार की अक्षांशीय स्थिति, दक्षिण अमेरिका के 5 देश, 5 राजधानी, 5 करेंसी। तो मैं लगभग प्रश्नों का जवाब दिया था, जो प्रश्न में मुझे डाउट था या मैं कंफर्म नहीं था तो मैंने विनम्रता सॉरी सर कह दिया था। बहुत अच्छा, तो ये एक अपने अपनी एक तो ईमानदारी रखी आपने, स्वच्छता से किया और बहुत ही सहजता से आपने प्रेजेंट किया। कोई ऐसा सिचुएशन विकास जो शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस से जो इंटरव्यू के दौरान हुआ और बड़ा रोचक रहा हो या आपको थोड़ा? जी सर, एक सर ने पहला एक प्रश्न किया था श्वेत क्रांति, तो मैंने इसे दूध से संबंधित बताया। तो सर ने दूसरा प्रश्न किया कि आपकी क्या सिल्वर क्रांति क्या है, तो उस समय से क्योंकि पहले से 10-15 क्वेश्चन लगातार ऑब्जेक्टिव वन लाइनर पूछे जा चुके थे तो थोड़ा मैं भी पैनिक हो गया था लेकिन अपने चेहरे पर प्रदर्शित नहीं होने दे रहा था। और जो वहाँ सर लोग थे वो भी इस चीज को टेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सिल्वर क्रांति में थोड़ा 2-3 सेकंड का पॉज ले लिया था, तो तब तक सर गोल्डन क्रांति पूछ दिया। तो मैंने विनम्रता से पूछा कि सर अगर आपकी अनुमति है तो क्या मैं पहले वाले प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ? तो जो बोर्ड के अध्यक्ष थे करीमी सर ने हाँ कहा, लेकिन एक अन्य जो सदस्य थे उन्होंने बोला कि नहीं मतलब मैं आगे बढ़ चुके हैं तो आप पहले का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो उनका थोड़ा टोन हार्ड था लेकिन मैं फिर विनम्रता से सॉरी सर कहके मैंने फिर अगला जो गोल्डन क्रांति था उसका उत्तर दिया और मैंने चेहरे पे ऐसा कहीं भी भाव नहीं आने दिया कि इससे मुझे डर लगा, लेकिन अंदर से मैं बहुत डर गया था, मुझे ऐसा फील हो गया था कि शायद मेरा इंटरव्यू खराब चला जाएगा। बट मैंने निरंतर अपना चेहरे के एक्सप्रेशन को कॉन्स्टेंट बनाए रखा और लास्ट बहुत अच्छे से हुआ, सर ने ऑल द बेस्ट कहा, थैंक यू कहा। मैंने अपने पॉइज है, कॉन्फिडेंस है, आपने बिल्कुल बनाए रखा। अब विकास आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब बिहार सिविल सर्विसेज के अंदर जा भी रहे हैं आप, तो आगे की आपकी योजनाएं क्या है, क्या है जॉब में रहते हुए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और आगे अब आईएएस बनने के लिए क्या करेंगे? सर ऑब्वियसली मैं ये जॉब हुआ है तो इससे जो भी मतलब आगे का प्रोसेस होगा इससे मैं ज्वाइन करूंगा। और अभी 65th जो बीपीएससी का मेंस भी मैं दे रखा हूँ, अगर उस मेंस में भी मेरा सिलेक्शन होता है तो फिर मैं उसका इंटरव्यू भी दूंगा। और इस बार जो सिविल सेवा का जो प्रीलिम्स है उसके लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ और इस बार मेरा प्रथम प्रयास करूंगा। तो इसका मतलब है कि बीपीएससी के द्वारा आप थोड़ा अपग्रेड करके हो सकता है अब डीएसपी बन जाए, ऐसा कुछ कोशिश करेंगे
और साथ साथ जी सर, अगर मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिलता है तो मैं इंटरव्यू दूंगा सर, अगर मेरा रैंक अच्छा होता है और कुछ अच्छी सर्विस मिलती है तो मैं उसे ज्वाइन करूंगा। मेन चीज है कि अल्टीमेटली मंजिल आपकी है कि आप आईएएस बने, राइट। मेरी शुभकामना है विकास कि जिस तरह के कॉन्फिडेंस सर मेटिकुलस होके एक डाउन टू अर्थ आपके स्वभाव में है कि बहुत सिंप्लिसिटी के साथ चीजों को सिस्टमैटिकली करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने करियर में और आने वाले जो आपके मिशन है आईएएस के लिए वो भी आप कामयाब रहेंगे और आपको एज एन आईएएस भी हम इंटरव्यू बहुत जल्दी ले रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एंटायर थिंग, राइट। ये बहुत अच्छा है। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.